वेलकम टू एग्जाम थ्योरी। तो RRB NTPC CBT 2017 में टोटल आपके एग्जाम 9 शिफ्ट में कराए गए थे, जिसके सारे मैथ के सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में 19/1/2017 के शिफ्ट 2 के सारे मैथ के प्रश्नों के सॉल्यूशन देखेंगे, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं, इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। ये जो है टोटल आपके इतनी शिफ्टों में NTPC CBT 2 2017 के एग्जाम कराए गए थे, जिसके 17/1/2017 के शिफ्ट 1 से लेकर के आपके 19/1/2017 के शिफ्ट 1 तक के सारे मैथ के प्रश्नों के सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर करा दिए गए हैं। तो ये सारे वीडियो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में 19/1/2017 के शिफ्ट 2 के सारे मैथ के प्रश्नों के सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलते हैं प्रश्नों की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्रमशः 121 वर्ग मीटर और 64 वर्ग मीटर है। यदि पहले त्रिभुज की माध्यिका 12.1 मीटर है तो दूसरे त्रिभुज की माध्यिका यानी कि मीडियन क्या होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। दो समरूप त्रिभुज यानी कि क्या, दो सिमिलर ट्रायंगल, कैसा ट्रायंगल, दो सिमिलर ट्रायंगल दिया गया, कैसा है, सिमिलर है, सिमिलर ट्रायंगल दो है। उनमें से बोला गया कि एक का क्षेत्रफल कितना, यानी कि एक का एरिया 121 मीटर स्क्वायर है, दूसरे का एरिया कितना 64 मीटर स्क्वायर है, और उनमें से एक त्रिभुज की माध्यिका कितनी दी गई है, तो माध्यिका की लंबाई 12.1 मीटर दी गई है, और दूसरे त्रिभुज की माध्यिका यानी कि मीडियन की लंबाई पूछी जा रही है। तो यहाँ पर जो है इस तरीके के मैथ को बनाने का तरीका क्या होता है, इसके जो है मीडियन का स्क्वायर ही क्या होता है, इसके क्षेत्रफल के बराबर होता है, या तो मीडियन का स्क्वायर या फिर भुजा का स्क्वायर। उसी तरीके से आपका किसी भी समरूप त्रिभुज में जो भी आपका दिया गया रहे, या तो मीडियन दिया हुआ रहे या फिर साइड किसी दिया हुआ रहे, उसी का स्क्वायर का ही क्या होता है, आपका टोटल एरिया होता है, यानी कि 12.1 मीटर का स्क्वायर बटा जो क्या हो जाएगा इसका मीडियन, और इसका मीडियन क्या हो जाएगा नीचे चला आएगा, यानी कि यम स्क्वायर हो जाएगा। इसका मीडियन को हम लोगों ने क्या मान लिया, यम मान लिया, यानी कि यम स्क्वायर बराबर जो है टोटल एरिया पहले वाले त्रिभुज का कितना था, तो 121 मीटर स्क्वायर, और दूसरे वाले त्रिभुज का कितना है 64 मीटर स्क्वायर। तो इधर क्या आपका ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है, यानी कि ये जो आपका क्या बन जाता है, एक तरीके से पूरा होल स्क्वायर बन जाता है। तो इधर आपका पूरा होल स्क्वायर है, तो ये दोनों स्क्वायर हटके क्या इधर आपका क्या चला जाएगा, अंडर रूट बन जाएगा, यानी कि इस तरीके से आपका हो जाएगा कि 12.1 बटा मीडियन इक्वल टू ये जो है क्या चला जाएगा, इधर पूरा अंडर रूट में आ जाएगा, कितना 121 बटा 64 आ जाएगा, कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर कैलकुलेशन कर लेंगे, यहाँ पर तो 12.1 मीडियन बराबर 121 किसका स्क्वायर होता है, तो 11 का स्क्वायर होता है, यानी कि अंडर रूट के बाहर ये चला जाएगा। 64 किसका स्क्वायर होता है, तो 8 का स्क्वायर होता है, यानी कि 8 जो है 64 का अंडर रूट 8 होता है। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, यहाँ पर 10 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10। हल करेंगे तो 11 से काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा 121, 11 बार में चला जाएगा। क्रॉस गुना करेंगे तो यम बराबर आपका कितना आ जाएगा, 11/88 बटा 10 आ जाएगा, यानी कि पॉइंट में आंसर है तो कितना हो जाएगा 8.8 मीटर होगा, यानी कि दूसरे त्रिभुज की माध्यिका यानी कि मीडियन की लंबाई कितनी होगी, तो 8.8 मीटर होगी, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर क्वेश्चन में कि ए का मान ज्ञात कीजिए, और दिया गया है कि 7a/2 इक्वल है 5a/4 का, 5a+4 का। तो अब क्या करेंगे, क्रॉस गुना कर देंगे, क्रॉस गुना करेंगे तो 7 को a+4 से गुना करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 7a+7 को 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 7/28, इक्वल का साइन हो जाएगा यहाँ पर। फिर क्या करेंगे, यहाँ पर क्रॉस गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5 into a, यानी कि 5a, और 5 into -2 यानी कि कितना हो जाएगा 5 × 10 यानी कि -10 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, a को एक तरफ कर लेंगे, यानी कि 7a में से 5a को उधर भेजेंगे तो 7a में से 5a जाएगा, तो कितना बचेगा 2a, बराबर हो जाएगा 28 को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा -28, यानी कि -10 और -28 कितना हो जाएगा -38 यानी कि -38 हो जाएगा।
दो से काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 19 बार में चला जाएगा, यानी कि ए का वैल्यू आपका कितना आ जाएगा, -19, यानी कि -19 आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते जरूर चलिएगा, तो लाइक करना कंपलसरी है, तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर 5 वर्ष के लिए निवेश की जाती है, यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती है तो 300 रुपये अधिक प्राप्त होता है, तो निवेश की गई राशि कितनी है। यानी कि आपसे पूछा क्या जा रहा है, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, यानी कि जो राशि थी तो क्या थी, एक तरीके से प्रिंसिपल यानी कि मूलधन थी। तो आपको पता होना चाहिए कि मूलधन खुद में कितना प्रतिशत होती है, 100% होती है। कोई भी मूलधन खुद में हमेशा 100% होती है, यहाँ पर ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो यहाँ पर बोला गया है कि 5 वर्षों के लिए जब उसकी दर में 2% की वृद्धि की जाती है तो उसे 300 रुपये अधिक मिलता है। तो एक साल में कितना प्रतिशत आपका जो है साधारण ब्याज बढ़ाया गया, 2%, तो कुल मिलाकर 5 साल में कितना प्रतिशत अधिक प्रतिशत ब्याज मिल जाएगा। तो अगर एक साल में 2% अधिक ब्याज मिलता है तो कुल मिलाकर 5 साल में 10% अधिक ब्याज मिल जाएगा, और इस 10% का वैल्यू रुपये में कितना दिया गया है, 300 रुपये दिया गया है। और आपसे पूछा क्या जा रहा है, मूलधन यानी कि राशि पूछी जा रही है, यानी कि आपसे 100% का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो 10% का वैल्यू 300 है, तो 100% का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ 10 से गुना कर देंगे, तो आपका कितना हो जाएगा, 100% का वैल्यू 300 × 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3000 हो जाएगा। यानी कि वह राशि कितनी थी, तो 3000 रुपये थी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक पिता अपने बेटे रामू, और यहाँ पर जो है सामू आपको छोड़ा, यहाँ पर जो आपका सामू छूट गया तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर जो आपका क्या है सामू, यानी कि पहला रामू है, फिर उसके बाद सामू और धामू में अपनी राशि क्रमशः 7:5:9 के अनुपात में बांटता है। यदि धामू को मिली राशि सामू से 120 रुपये अधिक है तो रामू को कितनी राशि मिली है। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन में बोला गया है कि 120 रुपये किसे अधिक मिलता है, धामू को अधिक मिलता है किससे, सामू से। तो ये कौन सा, ये जो 5 यूनिट रेशियो में आप देख रहे हो कौन सा है, सामू है, और ये जो आप 9 यूनिट देख रहे हो कौन सा है, धामू है। तो इन दोनों के यूनिट में अंतर कितना है, सामू 4 यूनिट, धामू 9 यूनिट, तो दोनों के यूनिट में अंतर कितना है, 4 यूनिट। और इस 4 यूनिट का वैल्यू कितना रुपया अधिक दिया गया है, 120 रुपये, यानी कि 4 यूनिट का वैल्यू 120 रुपये है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 से 120 काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 30 बार में, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 30 रुपये। आपसे पूछा जा रहा है कि रामू को कितनी राशि प्राप्त हुई है, तो रामू को जो है कितना यूनिट प्राप्त हुआ था, रेशियो के हिसाब से तो 7 यूनिट प्राप्त हुआ था। तो 1 यूनिट का वैल्यू अगर 30 रुपये है तो 7 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 30 में 7 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 × 7 = 210, यानी कि रामू को कुल राशि में से 210 रुपये प्राप्त हुआ था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक पहिए का व्यास 84 सेंटीमीटर है तो 792 मीटर की दूरी तय करने के लिए इसे जो है कितना चक्कर लगाना होगा। तो पहिए जब चक्कर लगाते हैं, कोई भी पहिए, किसी भी वाहन के कोई भी पहिए जो जब चक्कर लगाते हैं तो अपने ब्याज के आधार पर, सॉरी ब्याज के आधार पर नहीं, उसके परिधि के आधार पर, यानी कि उसके पेरीमीटर के आधार पर वो क्या लगाते हैं, चक्कर, यानी कि जितना उसका परिधि होगा, अगर एक टायर की परिधि जितनी होगी उतना ही दूरी एक चक्कर लगाने में, उतना दूरी उस टायर द्वारा जो है तय किया जाएगा, उस पहिए द्वारा तय किया जाएगा। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, एक पहिए की परिधि निकालनी होगी। तो परिधि कैसे निकालेंगे, पहिया कैसे होता है, वृत्त के आकार का होता है, तो वृत्त के परिधि यानी कि पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, तो वृत्त का परिधि का फॉर्मूला होता है यानी कि पेरीमीटर का 2πr होता है, क्या होता है, 2πr होता है।
तो यहाँ पर जो है आर यानी कि त्रिज्या हमें प्राप्त करना है, लेकिन यहाँ पर व्यास यानी कि डायमीटर दिया गया है। तो व्यास जो है क्या होता है, व्यास का आधा ही त्रिज्या होता है, क्योंकि दो रेडियस मिलकर ही व्यास बनते हैं, दो त्रिज्या मिलकर ही व्यास बनते हैं। तो व्यास का आधा क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा, यानी कि 84 का आधा कितना हो जाएगा, 42 सेंटीमीटर, यानी कि उस पहिए की त्रिज्या कितनी है, तो 42 सेंटीमीटर। तो अब क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, तो वैल्यू पुट करेंगे 2π/7 लिख सकते हैं। आर यानी कि त्रिज्या कितनी आ गई, 42 सेंटीमीटर आ गई। तो ये आपका क्या हो गया, टोटल पहिए का परिधि हो गया, यानी कि एक पहिए का परिधि हो गया। अब हमें पता लगाना है कि ये पहिए जो है कितना चक्कर लगाएंगे कि 792 मीटर जो है दूरी तय कर ले। लेकिन ये जो दूरी है किसमें, मीटर में है, लेकिन यहाँ पर जो आपकी त्रिज्या यानी कि जो व्यास दी गई थी वो किसमें थी, सेंटीमीटर में थी। तो जो हमें दूरी है उसे भी क्या करना होगा, सेंटीमीटर में चेंज करना होगा। तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए किससे गुना करते हैं, 100 से गुना करते हैं। तो इधर क्या हो गया, टोटल दूरी सेंटीमीटर में हो गई, लेकिन इधर जो है क्या है, एक पहिए का परिधि है। तो टोटल कितने चक्कर लगाएगा, मान लेते हैं इंटू यक्ष चक्कर लगाएगा, तो दोनों का परिधि क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। हल कर लेंगे, आपका यक्ष का जो वैल्यू आएगा, उच्च पहिए जितना चक्कर लगाएंगे उसका वैल्यू आ जाएगा। तो 7 × 6 आपका कितना हो जाएगा, 42, 11 × 2 = 22, 11 × 7 = 77, 11 × 2 = 22, 6 × 12 = 24, 24 × 3 आपका कितना हो जाएगा, 72, यक्ष बराबर आपका कितना हो जाएगा, 3 × 100 यानी कि 300 आ जाएगा। यानी कि उस पहिए द्वारा 792 मीटर की दूरी तय करने के लिए 300 चक्कर लगाने होंगे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि रेखा 25 मिनट में 15 पन्ने पढ़ती है, तो 45 मिनट में कितने पन्ने पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो है 25 मिनट में कितने पन्ने पढ़ती है, तो 15 पन्ने पढ़ती है रेखा। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 5 मिनट का वैल्यू निकाल सकते हैं, 5 से काटेंगे तो 5 × 5 = 25, इधर 5 से काटेंगे तो 5 × 3 = 15। तो यहाँ पर से हमें पता चलता है कि 5 मिनट में रेखा जो है 3 पन्ने पढ़ सकती है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि 45 मिनट में कितने पन्ने पढ़ सकती है, तो दोनों तरफ क्या कर देंगे, 9 से गुना कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 9 × 5 = 45 मिनट, कितना मिनट, 45 मिनट में कितने पन्ने पढ़ लेते हैं, तो 9 × 3 = 27 पन्ने पढ़ लेती है रेखा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 15 आदमी एक काम को 20 दिनों में कर सकते हैं, 10 आदमी इसके दोगुने काम को समाप्त करने के लिए कितने दिन लेंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि टोटल वर्क बराबर यानी कि कुल कार्य बराबर मैन इंटू डेज होता है, यानी कि कुल कार्य बराबर आदमियों की संख्या इंटू दिनों की संख्या होती है, वो भी आपका क्या होता है, टोटल वर्क यानी कि कुल कार्य होता है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, कुल कार्य निकालना है। तो कितने आदमी है, 15 आदमी है, कितने दिन में उस काम को करते हैं, तो 20 दिनों में काम करते हैं, यानी कि इन दोनों का गुणज क्या हो जाएगा, टोटल वर्क यानी कि कुल कार्य हो जाएगा। लेकिन बोल रहा है कि 10 आदमी जो अब काम करेगा उस काम को, उससे दोगुना काम को कर रहा है, जो पहले जो काम हो रहा था उससे दोगुना काम को, यानी कि पहले कितना काम हो रहा था, 15 × 20 काम, उससे दोगुना काम को करना, यानी कि क्या करेंगे, अब टोटल वर्क निकालने के लिए, नया काम निकालने के लिए उससे 2 से गुना कर देंगे। तो ये आपका क्या हो गया, नया कुल काम हो गया। और इस काम को कितने व्यक्ति करेंगे, 10 व्यक्ति करेंगे, यानी कि 10 से भागा दे देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, दिनों की संख्या आ जाएगी, यानी कि उस 10 आदमी कितने दिनों में काम कर सकते हैं उस टोटल काम को, उससे दोगुना काम को। तो यहाँ पर सुनना सुनना चला गया, गुना करेंगे तो 15 × 30 × 60 हो जाएगा, यानी कि उससे दोगुना काम को 10 आदमी कुल काम को 60 दिनों में कर सकते हैं, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 35% है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर बोला क्या गया कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 35% है, तो मान लेते हैं कि किसी भी वस्तु का विक्रय मूल्य खुद में कितना प्रतिशत होता है, 100%।
तो किसी भी वस्तु का विक्रय मूल्य 100% है। बोला कि विक्रय मूल्य का 35% क्या है, क्रय मूल्य, यानी कि विक्रय मूल्य अगर 100% है तो 100% का 35% कितना होगा, 35% ही होगा, यानी कि उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, तो 35% था। तो दोनों का क्या निकाल लेंगे, अनुपात निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे, अनुपात निकाल लेंगे, हल कर लेंगे यहाँ पर, तो रेशियो रेशियो चला जाएगा, 5 से काटेंगे तो 5 सत्ते 35 और 20 25 100 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर से हमें पता चलता है कि एक वस्तु का सीपी जो है क्रय मूल्य कितना यूनिट था, 7 यूनिट, और विक्रय मूल्य कितना था, 20 यूनिट, यानी कि 7 यूनिट का सामान उसने कितना में बेच दिया, 20 यूनिट में बेच दिया, यानी कि 7 का सामान 20 में बेचा, तो लाभ कितने का हुआ, 13 यूनिट का। क्रय लाभ प्रतिशत या फिर हानि प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर निकाली जाती है, तो क्रय मूल्य कितना यूनिट है, तो 7 यूनिट, तो नीचे क्या लिख देंगे, 7 यूनिट। परसेंट में वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1300/7%, लेकिन आंसर आपका डेसिमल में है तो भाग करके देख लेंगे, तो 7 1 6 बचा तो 7 8 56, 4 बचा तो आपका कितना हो जाएगा, 7 5 35, यानी कि 185 point something आपका परसेंट में आएगा, जो कि आपका मात्र एक ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए में है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहां पर आपका बिल्कुल सही होगा। तो एग्जैक्ट वैल्यू आपका क्या होगा, एग्जैक्ट नहीं होगा आपका लगभग, ये भी आपका क्या रहेगा, अप्रोक्स में ही रहेगा, तो अप्रोक्स में आपका कितना है, 185.71% है, ये जो आपका क्या है, लगभग में ही आपका वैल्यू आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। यहां पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक धनराशि की साधारण ब्याज की 8% वार्षिक दर पर 5 और 6 वर्षों में परिपक्वता राशि क्रमशः 1120 और ये जो आपका 2284 नहीं है, 1184 है, कितना है, 1184 है, ये 2284 नहीं है, 1184 है। तो 5 वर्षों में वह धनराशि जो है कितनी हो जाती है, 1120 रुपये, और 6 वर्षों में कितनी धनराशि हो जाती है, 1184 रुपये हो जाती है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि मूलधन यानी कि प्रिंसिपल क्या होगा। तो अभी मैंने आपको इसी वीडियो में बताया कि कोई भी मूलधन यानी कि कोई भी प्रिंसिपल खुद में कितना प्रतिशत होती है, 100% होती है, कितने प्रतिशत की होती है, 100% की होती है। तो यहाँ पर बोला गया कि 5वां वर्ष का मिश्रधन यानी कि अमाउंट 1120 रुपया, 6वें वर्ष का मिश्रधन 1184 रुपये है, तो जो यहाँ पर 5वां से 6वां वर्ष में जो राशि बढ़ी है वो क्या है, 1 साल की यानी कि 1 वर्ष की साधारण ब्याज है, यानी कि 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट है। तो 1 साल का ESI कितना, यानी कि 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, तो 1184 माइनस 1120 करेंगे, क्या करेंगे, 1184 माइनस 1120 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 64, यानी कि 1 साल का साधारण ब्याज कितने रुपये प्राप्त होता है, तो 64 रुपये प्राप्त होता है, और परसेंट में कितना वैल्यू है, तो 1 साल में 8% साधारण ब्याज प्राप्त होता है, यानी कि 8% का वैल्यू कितना है, तो 64 रुपये है। तो यहाँ पर से हमें 100% का वैल्यू निकालना है, यानी कि मूलधन निकालना है, तो पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे इसे, यहाँ पर 2 से काटेंगे तो 2 चौक 8, यहाँ पर जो है कितना बार में चला जाएगा, 32 बार में चला जाएगा। 100% का वैल्यू चाहिए तो दोनों तरफ क्या कर देंगे, 25 से गुना कर देंगे, क्या करेंगे, 25 से गुना कर देंगे, तो आपका कितना हो जाएगा, 25 चौक 100%, और 100% का वैल्यू कितना आ जाएगा, 32 × 25 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 × 75, 25 × 50 यानी कि 750 और 50 यानी कि 800 रुपये, यानी कि वह मूलधन कितने रुपये है, तो 800 रुपये है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया कि 12 आदमी या 24 लड़के एक काम को 20 दिनों में कर सकते हैं, तो 24 लड़का और 12 लड़के मिलकर उसी काम को कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर टाइम एंड वर्क में जब और यानी कि या दिया हुआ रहे, तो या मतलब क्या होता है, और यानी कि या तो 12 आदमी 20 दिन में कर सकता है या तो 24 लड़के 20 दिन में कर सकते हैं, लेकिन जब और हो जाते हैं तो और का मतलब हो जाता है कि दोनों मिलकर यानी कि 24 आदमी और 12 लड़के मिलकर कितना दिन में काम करेंगे, लेकिन जब अगर या रहे तो दोनों अलग अलग काम कर रहे हैं, तो टाइम एंड वर्क में ये ध्यान रखिएगा, तो या है
तो दोनों अलग अलग काम, और है तो दोनों साथ साथ काम। इंग्लिश में और दिया हो रहा था, इंग्लिश में ओ आर और दिया हो रहा था, और हिंदी में जो मतलब कि और का जो है इंग्लिश में एंड दिया हुआ रहता है आपका, इंग्लिश में आपका ये होता है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले क्या निकालेंगे, यहाँ पर एक आदमी और एक लड़के की कार्य क्षमता यानी कि इफिशेंसी निकालेंगे। तो सबसे पहले बोला गया कि 12 आदमी जितना काम कर सकता है उतना ही काम जो है 24 लड़के मिलके कर सकते हैं। तो यहाँ पर से क्या निकाल सकते हैं, एक आदमी और एक लड़के की कार्य क्षमता निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर 12 से 24 को काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, दो बार में, यानी कि आपका कितना आ जाएगा, मैन बाई बॉय बराबर आपका कितना आ जाएगा, 2/1, यानी कि एक आदमी की कार्य क्षमता कितनी है, 2 यूनिट है, और एक लड़के की कार्य क्षमता कितनी है, 1 यूनिट है। तो यहाँ पर से फिर क्या निकाल सकते हैं, टोटल वर्क निकाल सकते हैं। कैसे जो है टोटल वर्क निकाल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर बोला गया कि 12 आदमी जो है मिलकर किसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। तो अगर एक आदमी की कार्य क्षमता 2 है, एक आदमी की अगर कार्य क्षमता 2 है तो 12 आदमी की कुल कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, तो 12 × 2 = 24 हो जाएगी, ये आपकी कार्य क्षमता हो गया। ये और कितने दिनों में करते हैं, 20 दिनों में करते हैं। तो इफिशियंसी इंटू टाइम यानी कि कार्य क्षमता इंटू समय क्या होता है, टोटल वर्क होता है। यह ध्यान रखिएगा, टोटल वर्क बराबर क्या होता है, इफिशियंसी इंटू टाइम होता है। तो यहाँ पर 24 क्या हो गया, 12 आदमी 2 के हिसाब से काम करते हैं तो 24 काम करेंगे, यानी कि 24 इफिशियंसी और 20 क्या है, टाइम है। तो दोनों का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल काम यानी कि कुल वर्क हो जाएगा ये जो है। फिर क्या बोलता है कि 24 आदमी और 12 लड़के मिलकर कितने दिनों में करेंगे, तो 24 आदमी यानी कि 24 × 48 कार्य क्षमता, और उसमें 12 लड़के, तो एक लड़का एक काम करता है तो 12 लड़के कितने काम करेंगे, 12, तो 48 और 12 कुल मिलाकर कार्य क्षमता कितना हो जाएगा, तो 48 और 12 60 कार्य क्षमता हो जाएगा। हमें क्या निकालना है, समय निकालना है यानी कि टाइम निकालना है, इंटू टी कर देंगे, दोनों एक ही काम को कर रहे हैं तो टोटल वर्क बराबर होगा। हल करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 20 आपका 60 हो जाएगा, 3 से काटेंगे 24 को तो कितना बार में चला जाएगा, 8 बार में, यानी कि टी बराबर आपका कितना आ जाएगा, 8 days यानी कि 8 दिन आएंगे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 ये आपका क्या है, ग्राफ का क्वेश्चन है। ग्राफ में दिया गया है वर्ष के नाम दिए गए, डिवीजन सभी में दिया गया, W, X, Y, Z सभी में डिवीजन दिए गए। तो क्वेश्चन में देखेंगे पूछा क्या जा रहा है, क्वेश्चन आपका यहाँ पर से है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 2011 के दौरान किस डिवीजन का प्रदर्शन अपेक्षाकृत बेहतर था, यानी कि आपसे क्वेश्चन में इस तरीके से घुमाकर पूछा जा रहा है कि 2011 में किसका जो है, 2011 में किसका जो है पिछले वर्ष यानी कि पिछले डिवीजन की तुलना में बेहतर हुआ है। तो यहाँ पर देखेंगे कि W से जब X का डिवीजन देखेंगे तो पिछले की अपेक्षा यहाँ पर क्या हुई है, वृद्धि हुई है, यानी कि यहाँ पर तो बेहतर हमें दिख रही है, लेकिन जब 34 से 114 पर जाएंगे तो यहाँ पर क्या दिख रही है, कमी दिख रही है, यानी कि यहाँ पर बेहतर नहीं हुआ। तो वाई तो आपका बिल्कुल नहीं हो सकता। यहाँ पर फिर देखेंगे 114 से कितना हुआ, 108 हुआ है, कितना हुआ, 114 से 108 हुआ, यानी कि यहाँ भी क्या देखी जा रही है, कमी देखी जा रही है। तो यहाँ पर ना तो आपका वाई हो सकता क्योंकि कमी हो रही है, ना ही जेड हो सकता क्योंकि कमी हो रही है। W का हमें पीछे से तुलना करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि है ही नहीं, तो 130 भी आपकी नहीं हो सकती। तो जो बेहतर हुआ यानी कि बेहतर प्रदर्शन किया है, किसने किया है, यक्ष ने किया, क्योंकि ये जो है पिछले वाले डिवीजन से बेहतर है। तो यहां पर कौन सा आंसर हो जाएगा, यक्ष, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, ये भी आपका ग्राफ का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में देखेंगे पूछा क्या जा रहा है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 2012 एवं 2013 में वाई द्वारा बेची गई वस्तुओं की कुल संख्या, यानी कि 2012 में जो है वाई द्वारा कितना बेचा गया, 164, और 2013 में कितना बेचा गया, वाई द्वारा 76, उनकी जो है कुल संख्या, इसी दौरान जेड द्वारा बेची गई वस्तुओं की कुल संख्या का अनुपात क्या होगा, यानी कि इन दोनों का योग, जेड के कुल योग और वाई का कुल योग, दोनों का क्या पूछा जा रहा है, रेशियो यानी कि अनुपात पूछा जा रहा है। तो 164 प्लस 76 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 6 × 4 = 10 16 × 7 23 + 1 = 24, यानी कि कितना हो जाएगा, 164 और 76 कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 240।
और जेड का कितना हो जाएगा 96 प्लस 80 करेंगे तो कितना हो जाएगा 917 यानी कि 176 होगा। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 16 से काट लेंगे, 16 से दिख रहा है कि कट जाएगा तो 16 से काटेंगे तो 16 से एक बार में, फिर एक बार में 16 इधर काटेंगे तो 16 और 4 4 8 यानी कि 16 25 80 हो जाएगा। तो कितना अनुपात आ जाएगा, 15:11 आएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर ये भी ग्राफ का क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका यहाँ पर देखेंगे पूछा क्या जा रहा है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि किस डिवीजन के 2011 और 2013 के संयुक्त बिक्री आंकड़े सबसे कम है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 2011 का किसका किसका पूछा जा रहा है, 2011 और 2013 का, इसका जो है योग पूछा जा रहा है, योग में जो है सबसे कम किसका है। तो सबसे पहले W का जोड़ेंगे तो W का जो है कितना है, 2011 में 130, 2013 में 86 है, जोड़ेंगे तो 6 13 8 आपका कितना हो जाएगा 21 यानी कि 216 है W डिवीजन का। X का चेक कर लेंगे तो X का 134 है और 2013 में 112 है, तो जोड़ेंगे तो 4 2 6 13 और 11 कितना हो जाएगा 24। अब क्या देखेंगे, W का देख लेंगे, W का कितना है, Y का देखेंगे, किसका देखेंगे Y का, तो कितना है 114 और 76 है, कितना है 114 और 76 है, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 80 आया ये 110 यानी कि 190 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है फिर अब किसका देख लेते हैं, जेड का एक देख लेते हैं, तो जेड का जो है कितना है 108 है और 80 है, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 11 8 कितना हो जाएगा 10 8 आपका 18 हो जाएगा यानी कि 188 यानी कि सबसे कम आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे कम किसका है, इस जेड वाले का है, क्योंकि इसका जो है सबसे कम जो है यहाँ पर अंकों का योग आ रहा है, कितना आ रहा है 188 जो कि सबसे कम दिख रही है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि 4 वर्षों, यहाँ से आपका शुरू हो रहा है कि 4 वर्षों की अवधि के दौरान डब्लू डिवीजन द्वारा, किसके द्वारा, डब्लू डिवीजन द्वारा बेची गई वस्तुओं की औसत संख्या क्या है, यानी कि सभी डब्लू डिवीजन का क्या करना होगा, हमें योग निकालना होगा और फिर उनका औसत यानी कि एवरेज निकालेंगे। तो सभी का योग कर लेंगे तो 100 130 कितना हो जाएगा आपका 230, 230 और 140 आपका कितना हो जाएगा 370, 370 और 86 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 370 और 80 तो 456 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 456 हो जाएगा आपका टोटल सम हो जाएगा। हमें क्या चाहिए, औसत चाहिए, टोटल कितने साल थे तो 4 साल थे, तो 4 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 11 चौक 44, 1 बचा 4 चौक 16 यानी कि डब्लू डिवीजन के औसत जो है कितना है तो 114 है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 2 संख्याओं का लास 48 है, यदि दोनों संख्याओं का अनुपात कितना 1:2/3 है, तो संख्याओं का योग ज्ञात करेंगे। तो संख्याओं को यहाँ पर क्या मान लेते हैं, 1x मान लेते हैं और 2/3x मान लेते हैं। तो यहाँ पर जो है दो संख्याएं क्या हो गई, एक संख्या 1x यानी कि x हो गई और दूसरी संख्या क्या है 2x/3 है, क्या है 2x/3 है। तो इन दोनों संख्याओं का LCM निकालेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, इन दोनों संख्याओं का LCM जो होगा 1x यानी कि x रेशियो 2x/3 का LCM कितना होगा, तो LCM आपका 2x होगा। और LCM जो है डिजिट में वैल्यू कितना दिया गया, यानी कि नंबर में वैल्यू कितना दिया गया, संख्या में वैल्यू कितना दिया गया 48 दिया गया, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 से 48 को काटेंगे तो 24 बार में चला जाएगा। तो पूछा क्या जा रहा है, यहाँ पर दोनों संख्याओं के अंकों का योग पूछा जा रहा है। तो एक संख्या x था, एक संख्या 1x मतलब x, तो एक संख्या x बराबर 24 है यानी कि एक संख्या कितनी थी 24 थी, दूसरी संख्या कितनी है 2x/3 है यानी कि 2/3 इंटू क्या हो जाएगा x हो जाएगा, तो x का वैल्यू कितना है 24 है, 3 से काटेंगे 24 को तो 8 बार में चला जाएगा, 8 दूनी कितना हो गया 16 यानी कि दूसरी संख्या कितनी है 16 यानी कि 16 है, तो 24 और 16 कितना हो जाएगा तो 40 होगा, कितना होगा 40 होगा, यानी कि हमें पता चल गया कि दोनों संख्याओं का योग यानी कि सम कितना है तो 40 है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया कि चक्रवृद्धि ब्याज की 8.1/3% वार्षिक दर पर
1728 रुपये कितने वर्षों में 2197 रुपये हो जाएंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। यानी कि ये जो 1728 रुपये वो आपका क्या है, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन है, और 2197 रुपये वो आपका क्या है, अमाउंट यानी कि मिश्रधन है। तो यहाँ पर जब भी आपसे यहाँ पर रेट दिया हुआ रहे और प्रिंसिपल और अमाउंट दिया हुआ रहे और आपसे समय पूछे, तो इस तरीके के प्रश्न को इस तरीके से हल किया जाता है कि सबसे पहले जो है जो आपका अमाउंट अमाउंट बटा क्या करेंगे, प्रिंसिपल यानी कि मिश्र धन बटा मूलधन करेंगे। तो मिश्र धन बटा मूलधन करेंगे तो कितना आपका हो जाएगा, मिश्र धन बटा मूलधन तो आपका हो जाएगा, अमाउंट आपका दिया गया 2197 और मूलधन कितना है 1728 है। यहाँ पर फिर क्या करेंगे, रेट को जो है ये जो आपका रेट यानी कि दर दिया गया उसे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो 8 पूर्णांक 1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/12 होता है। मैं पहले वाले वीडियो में काफ़ी बार बता चुका हूँ आपको कि परसेंट को फ्रैक्शन में किस तरीके से चेंज किया जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पर भी बता देता हूँ कि जैसे कि 8 या 24 1/25 होता है, 25/3% कितना होता है, 25/3% परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 25 चौक 100 यानी कि 25% को हम लोग 1/12 लिख सकते हैं फ्रैक्शन वैल्यू में। तो 25% का वैल्यू मतलब 8 पूर्णांक 1/3 का वैल्यू कितना हो गया, 1/12 फ्रैक्शन में। तो यहाँ पर फिर क्या करेंगे, यहाँ पर क्या दिख रहा है 2197 1728, तो 1728 किसका क्यूब होता है, तो 12 के क्यूब होता है, और 2197 किसका क्यूब होता है, 13 का क्यूब होता है। यानी कि ये जो आपका कितना आ गया, 13/12 का क्यूब आ गया। यानी कि ये जो आपका क्या है अमाउंट है, ये आपका क्या है मूलधन है। तो आपको पता होना चाहिए कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वो आपका क्या होता है, मूलधन सॉरी मतलब मिश्र धन, मूलधन नहीं मिश्र धन माइनस मूलधन होता है। तो ये आपका 12 यूनिट क्या है, मूलधन है, 13 यूनिट आपका क्या है, मिश्र धन है। तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि आपका चक्रवृद्धि ब्याज कितना यूनिट होगा, तो 12 के राशि पर 13 यूनिट बन जाता है। यानी कि कितने का ब्याज मिल रहा है एक साल में, 1 यूनिट का ब्याज मिल रहा है, कितने में, तो 12 यूनिट पे मिल रहा है। यानी कि 1/12 क्या था, 1/12 8.3% के बराबर था। यानी कि रेट हम लोगों ने मिला लिया कि रेट कितना आ रहा है, 8.3% आ रहा है। तो जो आपका समय होगा, ये जो आपका पावर दिख रहा है वही आपका क्या होगा, समय यानी कि टाइम होगा। तो समय कितना हो जाएगा, 3 साल यानी कि 3 ईयर होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया कि एक वस्तु 25% के लाभ पर 2500 रुपये में बेची गई, तो लाभ राशि क्या थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 25% किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य खुद में कितना प्रतिशत होता है, 100% होता है। किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य खुद में हमेशा कितना होता है, 100% होता है। तो बोला कि 100% पर 25% का लाभ कमाता है, तो 100% का सामान वो बेच कितने में रहा होगा, तो 100+25% यानी कि 125% में वो सामान बेच रहा होगा। और उसने रुपये में कितने में बेचा, तो 2500 रुपये में बेचा। कितने रुपये में बेचा, 2500 रुपये में बेचा। तो आपसे पूछा जा रहा है कि लाभ की राशि क्या होगी, यानी कि प्रॉफिट कितने रुपये की हुई है। तो प्रॉफिट कितने परसेंट के हुई थी, तो 25% का लाभ हुआ था। यानी कि हमें क्या निकालना होगा, 25% का वैल्यू निकालना होगा। 25% का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ 5 से काट देंगे तो 25 चला जाएगा, यहाँ पर 25 बार आ जाएगा। इधर 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा। यानी कि 25% बराबर कितना आ गया, 500 रुपये। तो उसे लाभ कितने का हो रहा था, तो 500 रुपये का लाभ हो रहा था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया कि निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक यानी कि मॉड क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है कुछ नंबर दिए गए, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बहुलक निकालने का तरीका क्या होता है। बहुलक जो आपका नंबर दिया गया है उसमें से जिस संख्या को सबसे अधिक बार रिपीट किया गया होगा, यानी कि जिसे सबसे अधिक बार दोहराया गया होगा, वही संख्या क्या होगी, आपकी पूरे नंबर की बहुलक यानी कि मोड होगी। क्या होगी, मोड होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले चेक करेंगे 110 कितने बार है, 1 बार है और कहीं भी नहीं। 80 को चेक करेंगे तो 1 बार, 2 बार,
तीन बार है, यानी कि 80 टोटल कितने बार है, 3 बार है। अब हमें चेक करना है क्या कोई भी संख्या 3 बार से ज्यादा बार आ रही है या नहीं। तो 70 को चेक करेंगे तो 1 बार 2 बार, यानी कि 70 भी आपका बहुलक नहीं हो सकता। 90 चेक करेंगे तो 1 बार 2 बार नहीं हो सकता। 120 भी 1 बार, 60 भी 1 बार, यानी कि कोई भी संख्या 3 बार से अधिक बार नहीं जो है लिखा गया। यानी कि सबसे अधिक किसे बार लिया लिखा गया, जो 3 बार लिखा गया है, जो कि 80 यानी कि 80 को लिखा गया। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। यहां पर क्वेश्चन में दिया गया है कि वो छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे दोगुना करने पर वह 4, 6, 9, 12, 14 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो हमें क्या करना होगा, इन जो पांचों संख्या दी गई है उनका एलसीएम यानी कि लघुत्तम निकालना होगा, और जो एलसीएम आएगा उसका क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। यानी कि जो आपका ऑप्शन में दिया गया है वो क्या दिया गया है, जो एलसीएम आएगा उसका आधा दिया गया है। तभी तो बोला जा रहा है कि कौन सा ऑप्शन को दोगुना किया जाए तो 4, 6, 9, 12, 14 से विभाजित हो जाए। तो हमें आंसर निकालने के लिए क्या करेंगे, इन पांचों का एलसीएम लेके आधा यानी कि 2 से भाग कर देंगे। तो 4, 6, 9, 12, 14 का एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले बड़ी संख्या 14, यहाँ पर 2 ले लिए तो 6 यहाँ पर लेंगे, 9 यानी कि 3 ले लिए तो यहाँ पर 3 लेंगे, 3 दूनी 6, 6 तो पहले हो गया, 2 दूनी 4 हो गया। यानी कि ये जो आपका होता है एलसीएम निकालने का सबसे बेहतर तरीका और शॉर्टेस्ट तरीका होती है। यहाँ पर जो अगर आपको नहीं पता इस तरीके से निकालने के लिए तो आप बेसिक तरीका से निकाल सकते हैं कॉपी पर। यहाँ पर चेक कर लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका एलसीएम, 14, 6, 84, 4, 3, 12, 8, 1, 8, 24, 1, 25, यानी कि 252 क्या हो जाएगा इन पांचों संख्याओं की एलसीएम यानी कि लघुत्तम हो जाएगी। क्या करना, आंसर निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका आधा कर देंगे। तो आधा कितना हो जाएगा आपका, 12 दूनी 24, 1 बचा 2 6 12 हो जाएगा, यानी कि पूरी संख्याओं का एलसीएम का आधा कितना होगा, तो 126 होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। इनमें से पूछा जा रहा है कि एक परिमेय संख्या यानी कि इन चारों ऑप्शनों में से अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर कौन सा है। तो इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, सबसे मैं आपको शॉर्टकट में थोड़ा सा बता देता हूँ कि रैशनल नंबर वह नंबर होता है जिसे ए बाई बी फॉर्म में लिखा जा सकता है, लेकिन इरेशनल नंबर उसे कहते हैं जिसे ए बाई बी फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। रैशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे ए बाई बी फॉर्म में लिखा जा सकता है, और इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या उसे कहते हैं जिन्हें ए बाई बी फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। तो यहाँ पर जो है 11/8 क्या है, ए बाई बी फॉर्म में लिखा हुआ है यानी कि इरेशनल नंबर है यानी कि परिमेय संख्या। √9 कितना होता है, 3 का होता है, 3 का स्क्वायर होता है, यानी कि इसे 3/1 लिख सकते हैं, यानी कि ए बाई बी फॉर्म में लिखा जा सकता है, यानी कि ये भी क्या है, परिमेय संख्या। 2/3 पहले से ही ए बाई बी फॉर्म है, यानी कि ये भी परिमेय संख्या। लेकिन जब आप ऑप्शन नंबर डी देखेंगे तो 2 × 3 है, यानी कि कितना हो जाएगा, √6। √6 का मान किसी कभी भी जो है, √6 का मान एक निश्चित वैल्यू नहीं होता है। कभी भी आप निकाल कर देखिएगा, √6 का मान निश्चित वैल्यू नहीं आता है। जब भी आता है तो अप्रोक्स में वैल्यू आता है, यानी कि लगभग में वैल्यू आता है, इसका एग्जैक्ट वैल्यू √6 का नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा, चेक कीजिएगा तो इसका जो है आपका लगभग 2.4 के आगे जो है और अंक आपका आता चला जाएगा, यानी कि जैसे कि 2.4 आगे जो है कुछ कभी भी इसका अंत नहीं होगा। जितना आप आगे लेकर जाएंगे उतना आगे ये और चलता चला जाएगा, यानी कि जब तक इसका कहीं पर अंत नहीं होगा तो उसे ए बाई बी फॉर्म में नहीं लिखा जाएगा। तो ए बाई बी फॉर्म में नहीं लिखा जाएगा तो वह संख्या क्या बनेगी, इरेशनल बनेगी, यानी कि अपरिमेय संख्या बनेगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। क्या पूछा जा रहा है, इन सारे संख्याओं का माध्य यानी कि मीन पूछा जा रहा है। मीन निकालने का तरीका क्या होता है, सभी संख्याओं का योग करेंगे और टोटल नंबर से डिवाइड कर देंगे। तो योग आपका कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 7, 5, 12, 1 9, 3, 12, 12, 2, 14, 14, 7, 21, 21, 5, 26, 26, 1, 27, 2, और इधर आपका कितना हो गया, 2, 1, 3,
तीन एक चार, चार दो छः, 672 क्या हो गया टोटल इन सभी संख्याओं के अंकों का योग आ गया। हमें क्या निकालना है, माध यानी कि मीन निकालना है, तो क्या करेंगे जो सम आया उसका क्या करेंगे टोटल नंबर से डिवाइड कर देंगे। तो कितने टोटल नंबर है, 6 है, तो 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पर आपका हो जाएगा 11 6 66, 1 बचा तो 6 2 12 हो जाएगा, यानी कि इन सभी संख्याओं का माध यानी कि मीन कितना होगा, तो 112, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि संगीता साधारण ब्याज की 4.5% वार्षिक दर पर 37,000 रुपये जमा करती है तो उसे 2 वर्षों के बाद कितनी राशि प्राप्त होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा है, अमाउंट यानी कि मिश्र धन पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आपको मैं इसी वीडियो में बता चुका कि कोई भी मूलधन खुद में कितना प्रतिशत होती है, 100% होती है। फिर बोला गया कि इस 100% वाली राशि पर 1 साल में 4.5% का ब्याज लगता है, और कितने सालों तक ब्याज लगता है, तो 2 सालों तक ब्याज लगता है। तो आपका सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज 2 सालों का कितना प्रतिशत हो जाएगा, तो 1 साल में 4.5%, तो 2 साल में कितना हो जाएगा, 4.5 × 2 यानी कि 9% हो जाएगा, यानी कि 2 साल में साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 9%। और तो यही तो आपका होता है कि प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट यानी कि मूलधन प्लस साधारण ब्याज क्या बनता है, अमाउंट यानी कि मिश्र धन बनता है, और अमाउंट यानी कि मिश्र धन आपका कितना है, तो 109%, यानी 100% प्लस 9% कितना, 109%। तो हमें क्या चाहिए, इसे 109% का वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर जो है 100% का वैल्यू कितना दिया गया है, 37,000 रुपये दिया गया, क्योंकि ये क्या है आपका मूलधन है, यानी कि 100% का वैल्यू है। तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 200 × 200 चला जाएगा, 1% का वैल्यू कितना हो गया, 320 रुपये। तो 109% का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 109% का वैल्यू निकालने के लिए 109 × 37 करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा मिश्र धन, गुना करेंगे तो 9 × 7 = 63, 9 × 3 = 27, 3 कितना आपका हो गया, 3 × 7 = 13, हाथ में 1 × 7 = 2 9 = 10, 3 × 1 = 4 हो गया। यहाँ पर क्या करेंगे, 10, ये आपका कितना था, टोटल 370 था, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 आपका और हो जाएगा, तो टोटल आपका कितना हो गया धनराशि, 40,330 रुपये हो गया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक अस्थिर बाजार में एक वस्तु भिन्न तिथियों पर पहला जो है 11 रुपये, दूसरा जो है 9 रुपये, तीसरा जो है 8 रुपये तथा चौथा जो है 10 रुपये के यूनिट मूल्य जो है खरीदी गई, इसे इसके क्रय मूल्य से 2 रुपये अधिक मूल्य पर बेचा गया। तो आपसे पूछा जा रहा है कि प्रतिशत में सबसे अधिक लाभ किस वस्तु पर हुआ। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि पहला वस्तु का क्रय मूल्य 11 रुपये, दूसरा वस्तु का क्रय मूल्य 9 रुपये, तीसरा वस्तु का क्रय मूल्य 8 रुपये, चौथा वस्तु का क्रय मूल्य 10 रुपये यानी कि 10 यूनिट या 10 रुपये है, और बोला गया कि सभी वस्तुओं को 2 रुपये के लाभ पर बेच दिया गया। तो पूछा जा रहा है कि किस पर जो है सबसे अधिक लाभ प्रतिशत होगी, यानी कि सबसे अधिक लाभ प्रतिशत उसकी होगी जिसका सीपी यानी कि क्रय मूल्य सबसे कम होगा, जिसका क्रय मूल्य यानी कि सीपी सबसे कम होगा उसी का लाभ प्रतिशत क्या होगा, सबसे अधिक होगा। तो सबसे कम जो है सबसे कम जो है क्रय मूल्य किसका है, तो सबसे क्रय मूल्य यहाँ पर तीसरे वाले का है, कितना है, 8 रुपये है। सबसे क्रय मूल्य किसका है, तीसरे भाग वाले, तीसरे भिन्न वाले कितने हैं, 8 रुपये, जो कि सबसे कम क्रय मूल्य है, और उसी का जो है क्या होगा, सबसे अधिक लाभ प्रतिशत होगा। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। यहां पर क्वेश्चन में दिया गया है कि कार पी एक निश्चित दूरी को 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 11 घंटे में तय करती है, कार क्यू इतने ही समय में कार पी की अपेक्षा 242 किलोमीटर अधिक दूरी तय करती है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कार क्यू की औसत चाल यानी कि एवरेज स्पीड क्या होगी, आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पर सबसे पहले हमें निकालना क्या होगा कि पी जो है
कितनी दूरी खुद जो है 11 घंटे में तय करता है। तो सबसे पहले आपको दूरी निकालने के लिए पता होना चाहिए कि दूरी बराबर क्या होता है आपका, दूरी बराबर चाल इंटू समय होता है, यानी कि डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है। फिर हमें क्या निकालना है, चाल भी निकालना है। तो चाल बराबर आपका क्या होता है, दूरी बटा समय होता है, यानी कि स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम होता है। तो ये दोनों आप हमेशा ध्यान रखिएगा। यहाँ पर सबसे पहले हमें निकालना है कि पी कितनी दूरी तय की थी, पी कार द्वारा कितना दूरी तय किया गया था। तो दूरी निकालने के लिए चाल, तो चाल कितना है 66 किलोमीटर प्रति घंटा, इंटू क्या करते हैं समय, तो समय कितना है 11 है। तो 11 इंटू 66 करेंगे तो आपका टोटल जो है कितना दूरी आ जाएगा यहाँ पर, तो आपका कितना आ जाएगा 11 660 और 66 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 726 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 726। तो ये जो है पी कार द्वारा इतनी दूरी तय की गई है। फिर बोला क्यू जो है उतने ही समय में, यानी कि 11 घंटा में ही वो जो है 242 किलोमीटर अधिक दूरी तय कर लेता है, किससे, पी से, यानी कि पी अगर 726 किलोमीटर दूरी तय किया तो उससे 242 किलोमीटर अधिक तय करता है, यानी कि कितना टोटल तय करता है। तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 628 426 729, यानी कि 968 किलोमीटर दूरी तय करता है। कितने समय में, 11 घंटे में ही तय कर लेता है इतनी दूरी। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय हो जाएगा, यानी कि ये किसकी स्पीड आ जाएगी, क्यू की स्पीड आ जाएगी। तो हल करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 11 अठी 88 किलोमीटर प्रति घंटा किसकी चाल हो जाएगी, क्यू की चाल हो जाएगी, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया कि 80 का 60% का 7/8 कितना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, 60% का फ्रैक्शन वैल्यू, अगर फ्रैक्शन वैल्यू नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्या करेंगे, इसे तोड़ लेंगे सिर्फ, 80 इंटू क्या है 60% है, ये जो परसेंट हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, इंटू आपका कितना हो जाएगा 7/8 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे, आपका सिंपल सा आंसर आ जाएगा। तो 1 0 2 0 2 0 नीचे से 2 0 चला गया, 8 से 8 आपका चला गया, 7 6 आपका कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा, यानी कि सिंप्लीफिकेशन को सिंप्लीफाई करने पर आपका कितना आंसर आएगा, तो 42 आएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया कि दो संख्याओं का लाशा उनके मासा का 114 गुना है, यदि लाशा और मासा का योग 2300 है और एक संख्या 380 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें निकालना क्या होगा, यहाँ पर लाशा और मासा निकालना होगा। यहाँ पर बोला क्या गया कि एलसीएम जो है एससीएफ का, यानी कि महत्तम का 114 गुना है। तो अगर एससीएफ यक्स मान लेते कि एससीएफ यक्स है तो एलसीएम कितना हो जाएगा 114 यक्स, क्योंकि एससीएफ का 114 गुना है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 114 यक्स। दोनों का योग कितना होगा 114 यक्स प्लस यक्स, तो कितना हो जाएगा टोटल 115 यक्स, और इन दोनों का योग यहाँ पर कितना दिया गया है तो 2300 दिया गया, कितना दिया गया 2300 दिया गया। तो यक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, यक्स 115 से 2300 को काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा 20 बार में चला जाएगा, यानी कि यक्स का वैल्यू कितना आ गया 20 आ गया। तो एससीएफ आपका कितना हो जाएगा 20, एलसीएम आपका कितना हो जाएगा 114 × 20 होगा, कितना होगा 114 × 20। तो एलसीएम भी अब हमें पता चल गई, एससीएफ भी पता चल गई, उनमें से एक संख्या कितना दिया गया है 380 दिया गया, तो दूसरी संख्या पूछी जा रही है। तो जब आपको एलसीएम एससीएफ पता हो और एक संख्या पता हो और आपसे दूसरी संख्या पूछी जाए तो इसका एक फॉर्मूला होता है जो कि आपको हमेशा ध्यान रखना है। फॉर्मूला क्या होता है, एलसीएम इंटू एससीएफ, एलसीएम इंटू एससीएफ बराबर होता है, यानी कि एलसीएम और एससीएफ का गुणज बराबर होता है किसके, पहली संख्या और दूसरी संख्या के गुणज के बराबर होता है। तो ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा। तो एलसीएम आपका कितना आया, तो 114 × 20, एससीएफ आपका कितना आया यानी कि महत्तम कितना आया, तो 20 आया, बराबर होगा किसके, पहली संख्या कितनी है 320 इंटू दूसरी संख्या हमें निकालनी है, तो बराबर होंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे यहाँ पर आंसर आपका आ जाएगा। तो 100 चला गया, यहाँ पर 2 × 4 से काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा 8 बार में चला जाएगा। यहाँ पर क्या आपका 4 से
चार से कट जाएगा, यहाँ पर दो से पहले काट देते तो दो से काटेंगे तो आपका 5 57 यहाँ पर 5 बार में चला गया, तो यहाँ पर आपका कितना बार में चला जाएगा, 2 बार में चला जाएगा। यहाँ पर हम लोगों ने शायद कुछ गलत कर, सॉरी यहाँ पर 320 नहीं है, ये जो आपकी पहली संख्या है वो 320 नहीं है, 380 है, मैंने यहाँ पर गलत से लिख दिया। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अभी से फिर से यहाँ पर लिख के मैं आपको समझा देता हूँ। तो एलसीएम कितना है, 114 × 20, एससीएफ यानी कि महत्तम कितना है 20, बराबर पहली संख्या कितनी है 380 इंटू दूसरी संख्या हो जाएगी। अब क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे, मैंने यहाँ पर गलती से 380 की जगह 320 लिख दिया था, तो हल कर लेंगे यहाँ पर। तो 100 चला गया, 19 से काटेंगे तो 19 × 2 = 38 और आपका हो जाएगा 19 × 6 = 154, 2 से काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा 20, 10 बार में चला जाएगा। तो गुणा करेंगे तो दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी, दूसरी संख्या आपकी आ जाएगी 6 × 12, यानी कि कितना आ जाएगा टोटल, टोटल आ जाएगा 6 × 12 यानी कि 120 आ जाएगा, 6 × 12 × 10 यानी कि कितना आ जाएगा 120 यानी कि 120 आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया कि एक कर्मचारी के वेतन में 30% की वृद्धि की गई जिससे उसका वेतन 910 रुपये हो गया। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बढ़ोतरी होने से पहले उसका वेतन क्या था। तो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी राशि, कोई भी मूलधन, कोई भी जो है वेतन या फिर कोई भी क्रय मूल्य हो, किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य हो, वो खुद में हमेशा कितने प्रतिशत होती है, 100% होती है। यानी कि उनका वेतन जो है शुरुआत में कितना प्रतिशत रहा होगा, तो 100% रहा होगा। और इस वेतन में बोला गया कि क्या हुआ, 30% की वृद्धि हुई, यानी कि 100% वाले वेतन में 30% की वृद्धि यानी कि कितने परसेंट हो गई, 130% हो गई। और 130% का वैल्यू यहाँ पर रुपये में कितना दिया गया है, तो 910 रुपया दिया गया, यानी कि 130% का वैल्यू कितना रुपये है, तो 910 रुपये। हमें क्या चाहिए, 100% का वैल्यू चाहिए। तो क्या पहले क्या करेंगे, पहले यहाँ पर जो है 1% का वैल्यू निकालेंगे, तो 130 से 910 को काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 7 बार में। तो 1% का वैल्यू कितना हो गया, 7 रुपये। 1% का वैल्यू कितना हो गया, 7 रुपये। तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 7 को 100 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 700 रुपये। यानी कि वो पहले वेतन कितनी थी, तो 700 रुपये थी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया कि पी एक काम को क्यू की अपेक्षा 4 गुना तेजी से करता है। तो काम को समाप्त करने में क्यू पी की अपेक्षा 27 दिन अधिक लेता है। यदि वे दोनों एक साथ काम करते हैं तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहला लाइन में आपसे बोला गया कि पी जो है क्यू से 4 गुना तेजी से काम करता है, यानी कि क्यू अगर 1 यूनिट काम करता है तो पी से 4 गुना यानी कि कितना काम करेगा, तो 4 काम करेगा। तो ये आपका क्या हो गया, पी और क्यू की कार्य क्षमता यानी कि इफिशियंसी हो गई। तो आपको पता होना चाहिए कि कार्य क्षमता का उल्टा क्या होता है, समय यानी कि टाइम होता है। तो यहाँ पर अगर पी और क्यू की कार्य क्षमता 4:1 है तो उनका समय किस अनुपात में हो जाएगा, तो समय जो है क्या हो जाता है, उल्टा, यानी कि कितना हो जाएगा, 1:4 हो जाएगा, यानी कि 1:4 हो जाएगा। तो यहाँ पर बोला गया कि क्यू जो है पी की अपेक्षा जो है 27 दिन अधिक लेता है। तो यहाँ पर जो है यूनिट में कितना अधिक ले रहा है, यूनिट में पी 1 यूनिट ले रहा है, क्यू 4 यूनिट ले रहा है, यानी कि कितना अधिक ले रहा है, तो 3 यूनिट अधिक ले रहा है। और इस 3 यूनिट का वैल्यू दिनों में कितना दिया गया है, तो 27 दिन दिया गया है, यानी कि 3 यूनिट का वैल्यू 27 डेज है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 3 से 27 को काटेंगे तो 9 बार में चला जाएगा, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना दिन के बराबर है, तो 9 दिन के बराबर है। यहाँ पर से अब हम लोग क्या निकाल सकते हैं, टोटल वर्क निकाल सकते हैं और उन दोनों मिलकर कितने दिनों में काम करेंगे वो समय निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो है क्या आ गया, 1 यूनिट का वैल्यू 9 दिन आ गया, यानी कि पी जो है कितने दिनों में काम कर सकता है, तो पी अकेले उस काम को 9 दिनों में कर सकता है। और उसकी कार्य क्षमता कितनी है, 4 है। तो टाइम इंटू इफिशियंसी क्या होता है, टोटल वर्क होता है। तो इफिशियंसी कितना है, 4 है। समय कितना है, 9 है। तो ये आपका क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया। अब इन काम को
पी आर क्यू मिलकर करेंगे तो पी आर क्यू की जो है कार्य क्षमता यानी कि एफिशिएंसी कितनी है, तो पी की 4 है, क्यू की 1 है, यानी कि कुल मिलाकर कितना है, 5 है। तो ये आपका क्या निकल जाएगा, सिंप्लीफाई कर लेंगे तो दोनों मिलकर कितने समय में काम करेंगे वो आपका समय निकल जाएगा। तो समय आपका कितना हो जाएगा, 9 चौक 36/5। पूर्णांक में आंसर दिया गया तो पूर्णांक में तोड़ेंगे तो इसका कितना हो जाएगा आपका, 5 × 35 यानी कि 7/1/5 होगा। कितना होगा, 7/1/5 दिन। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29। यहां पर क्वेश्चन में दिया गया कि cos थीटा बराबर 4/5 है, यानी कि 4 क्या है आपका, 4/5, तो ऊपर 4 क्या होता है, cos थीटा होता है बेस, बाय क्या हो जाता है, हाइपोटेनस यानी कि आधार बटा कर्ण होता है, क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। तो परपेंडिकुलर निकालेंगे यानी कि लंब निकालेंगे तो आपका कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो अगर बेस 4 है, हाइपोटेनस यानी कि कर्ण 5 है, तो आपका लंब कितना हो जाएगा, तो लंब हो जाएगा यहां पर 3, कितना हो जाएगा, 3 यूनिट हो जाएगा। तो यहां पर से आप क्या निकाल सकते हैं, sec थीटा प्लस tan थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि sec थीटा के बराबर जो है, sec थीटा क्या होता है आपका, हाइपोटेनस बाई बेस होता है, क्या होता है, हाइपोटेनस बाई बेस, और tan थीटा आपका क्या होता है, तो tan थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी कि आपका एलसीएम नीचे कितना हो जाएगा, बेस बाई हाइपोटेनस प्लस परपेंडिकुलर होगा। तो आपका जो है यहां पर हाइपोटेनस यानी कि कर्ण कितना था, तो 5 था, परपेंडिकुलर यानी कि लंब कितना था, 3 था, और आधार कितना था, तो आधार यहाँ पर 4 था, कितना था, 4 था। यहाँ पर क्या करेंगे, हल कर लेंगे तो 5 × 3 आपका कितना हो जाएगा, 8, बटा नीचे कितना हो जाएगा, 4, 8 को 4 से काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 2 बार में चला जाएगा, यानी कि पूरा सिंप्लीफाई करने पर आपका कितना आ जाएगा, 2 यानी कि 2 आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो देखें, क्वेश्चन नंबर 30। यहाँ पर दिया गया कि यदि ये जो आपका दिया गया वैल्यू दिया गया इतना का, ये दिया गया, तो आपसे पूछा जा रहा है कि इतना का वैल्यू क्या होगा, तो इसे जो है बनाने का तरीका क्या होगा, जैसे कि यहाँ पर क्या दिया गया, 1/43.21 बराबर किसके है, 0.02314। तो यहाँ पर इसका वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 2 के बाद यानी कि 2 अंकों के बाद यहां पॉइंट है, लेकिन यहां पर कितने अंकों के पॉइंट है, 2, 2, 4, 2, 6, 7 के बाद पॉइंट है, यानी कि ऊपर दोनों तरफ क्या कर देंगे, 10,000 से, यानी कि यहां पर आपका कितना हो जाएगा, 5, यानी कि क्या करेंगे, 5 यानी कि 100,000 से क्या कर देंगे, दोनों तरफ गुना कर देंगे, यानी कि 1 पर 5 शून्य से दोनों तरफ क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, 100,000 से क्या करेंगे, 100,000 से गुना कर देंगे। तो ये जो है, इसे जो अब इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, जैसे कि यहां पर इसे जो है इस तरीके से लिखा जा सकता है, जैसे कि 1/43.21 बटा कितना लिख सकते हैं, बटा 100,000 लिखा जा सकता है इस तरीके से, इसे जो हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि वापस जब इसे चेंज करेंगे तो ये 100,000 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, यानी कि हम लोग 1,00,000/43.21 को इस तरीके से लिख सकते हैं, जो कि किसके बराबर हो जाएगा, तो 10,000 को क्या करेंगे, यहाँ पर गुना कर देंगे, तो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना बार में चला जाएगा, यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि क्योंकि पॉइंट के बाद 5 अंक है, तो 5 अंक चला गया यहाँ पर, यहाँ पर जो 100,000 छूट गया था, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 5 अंक, यानी कि 100,000 कट गया। तो कितना आपका वैल्यू आ गया, आपका वैल्यू आ गया 2314। यहाँ पर एक स्टेप आपका और बनेगा, एक स्टेप यहाँ पर जो है पॉइंट में आपका कितना आ जाएगा, इधर जो है पॉइंट वापस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 0.00043 आ जाएगा, जो कि किसके बराबर होगा, 2314 के बराबर होगा, यानी कि इतना का मान कितना आ जाएगा, 2314। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31। यहां पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक कार एक निश्चित दूरी को 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 8 घंटे में तय करती है, इसी दूरी को 5 घंटे में तय करने के लिए इसकी चाल में कितनी वृद्धि होनी चाहिए, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो दूरी बराबर, मैंने इसी वीडियो में आपको बताया कि दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय। तो हमें पहले निकालना होगा कि उसने जो है 8 घंटे में कितनी दूरी तय की। तो दूरी बराबर चाल इंटू समय, तो चाल कितना है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, समय कितना 8 घंटा, गुना किए तो टोटल समय हो गया। अब क्या करना है, अब इसे 5 घंटे में ही तय करना है, यानी कि इतना दूरी को 5 घंटे में ही तय करना है। तो 5 घंटे में यानी कि चाल निकालनी होगी, हमें नई चाल निकालनी होगी। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी
बटा समय होता है, तो समय कितना हो जाएगा 5 घंटा। हल करेंगे तो आपका नया चाल आ जाएगा, 5 से काटेंगे 50 को तो 10 बार में चला जाएगा, 10 × 8 कितना हो जाएगा 80 किलोमीटर प्रति घंटा नई चाल आ गई। तो पहले चाल कितनी थी, तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा, नई चाल कितनी हो गई 80 किलोमीटर प्रति घंटा, 80 में से 50 जाएगा तो कितना होगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा, क्या हो गई वृद्धि हो गई, कितनी हो गई वृद्धि 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32। यहां पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका विकर्ण 12 सेंटीमीटर का आधा है, यानी कि 12 सेंटीमीटर का आधा कितना 6 सेंटीमीटर, यानी कि कोई एक वर्ग है जिसका विकर्ण यानी कि जिसका डायगोनल कितना है 6 सेंटीमीटर है, यानी कि 12 सेंटीमीटर का आधा यानी कि कितना है 6 सेंटीमीटर है। आपको पता होना चाहिए कि किसी भी विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी वर्ग के विकर्ण का फॉर्मूला √2 × साइड होता है, क्या होता है √2 × भुजा होता है। तो √2 × भुजा ये हो गया विकर्ण का फॉर्मूला, और विकर्ण कितना दिया गया 6 सेंटीमीटर, तो साइड यानी कि भुजा बराबर कितना हो जाएगा, तो 6 को √2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 3√2, कितना हो जाएगा 3√2, यानी कि एक वर्ग की भुजा की लंबाई क्या आ गई 3√2। और आपसे पूछा जा रहा है कि वर्ग का क्षेत्रफल यानी कि स्क्वायर का एरिया क्या होगा, तो स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है भुजा का स्क्वायर यानी कि साइड का स्क्वायर होता है। तो साइड का स्क्वायर करेंगे यानी कि 3√2 का स्क्वायर करेंगे, तो 3√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 × 9 × 18 यानी कि 18 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33। यहां पर क्वेश्चन में दिया गया कि दो बसे यक्स और वाई एक ही स्थान से एक ही दिशा में क्रमशः 20 किलोमीटर प्रति घंटे और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, लेकिन वाई एक्स के जाने के 6 घंटे बाद चलती है, तो शुरुआती स्थान को कितने दूरी पर दोनों बसें मिलेंगे। तो यहाँ पर बोला गया कि यक्ष जो है, यक्ष बस जो है वाई से 6 घंटा पहला, या फिर ये बोल सकते कि वाई जो है यक्ष के चलने के बाद, यक्ष के 6 घंटे बाद चलता है, वाई यक्ष के चलने के 6 घंटे बाद चलता है। तो हमें निकालना होगा कि यक्ष जो है 6 घंटे में कितनी दूरी उसने अभी तक ट्रैवल कर ली होगी 6 घंटों में। तो अगर उसकी चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है तो दूरी निकालने के लिए क्या करते हैं, चाल इंटू समय, तो चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है यक्ष की, समय कितना लेता है 6 घंटा, यानी कि उसने 6 घंटा पहले चली थी तो 6 घंटा का दूरी निकालेंगे, तो दूरी बराबर चाल इंटू समय, तो कितना हो जाएगा 20 × 120 किलोमीटर, यानी कि उसने 120 किलोमीटर की दूरी पहले ही तय कर ली है, वाई के चलने से पहले ही तय कर ली है, लेकिन अब जो है क्या हुआ 6 घंटे बाद वाई भी चलना शुरू किया, तो दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो दोनों का चाल क्या, यक्ष का चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा और वाई का चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, दोनों के चालों एक ही दिशा में जा रहे हैं तो दोनों का चाल का अंतर होगा, विपरीत दिशा में जाते हैं तो चाल जुटता है और समान दिशा में जाते हैं तो चाल क्या होता है घटता है। तो चाल कितना हो जाएगा यहाँ पर 50 में से 20 जाएगा 30, कितना हो जाएगा 30, यानी कि समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल, तो समय निकल जाएगा यहाँ पर कि उसने जो है कितने समय बाद जो है वाई जो है यक्ष से मिल लिया, ये हमें यहाँ पर से पहले समय निकाल सकते हैं। तो कितना हो जाएगा 3 × 12 यानी कि 4 घंटे बाद वाई ने यक्ष बस से जो है सामना सामनी मिल लिया, कितने घंटे बाद 4 घंटे बाद। तो पूछा जा रहा है कि मिलने तक यानी कि मिलने तक यक्ष की जो है वो यक्ष द्वारा या फिर बोल सकते हैं कि वायु द्वारा दोनों बसों द्वारा में से कितने दूरी तय की जा चुकी होगी। तो यहाँ पर जो है चार घंटा किसने तय किया होगा, वाई ने तय किया होगा, वाई बस द्वारा तय किया गया होगा, तो वह जो है समय कितना लेता है 4 घंटा, चाल कितना है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे चाल इंटू समय, यानी कि 50 × 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 200 किलोमीटर हो जाएगा, यानी कि दोनों जो है बस जो है चलने से यानी कि मिलने से पहले 200 किलोमीटर की दूरी तय कर चुके थे। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34। यहां पर क्वेश्चन में दिया गया कि नमक की दो किस्में टी और यस है,
जिनके क्रय मूल्य 25 रुपये और 35 रुपये जो है प्रति किलो है को जो है 4:6 यानी कि 4:6 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है। मिश्रित किस्म को 37 रुपये प्रति किलो की दर से बेचा जाता है। तो पूछा जा रहा आपसे कि लाभ जो है लगभग कितना प्रतिशत है। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि 4 है यानी कि 25 रुपये वाले जो है जो किस्म है नमक की जो 25 रुपये किलो है उसका जो है कितना केजी खरीदा गया, 4 केजी खरीदा गया। तो टोटल कितना रुपये हो जाएगी अगर 1 किलो 25 रुपये में, तो 4 केजी कितना में खरीदा जाएगा, तो 25 × 100 रुपये में खरीदा जाएगा। फिर 35 रुपये किलो वाले कितना नमक खरीदते हैं, तो 6 किलो नमक खरीदते हैं। तो कुल कितना रुपया हो जाएगा, 35 × 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 35 × 70, 70 × 3 = 210 यानी कि 210 रुपया। तो टोटल कितने रुपया जो है खर्च किया उस नमक को खरीदने में, तो 100 और 210 कितना हो जाएगा, 310 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 310 हो जाएगा। और जो है ये क्या हो गया, 310 रुपये टोटल नमक खरीदने में लगे। तो हम लोग निकाल सकते थे कि 1 केजी औसतन जो है 1 केजी खरीदने में कितना रुपये लगा। तो यहाँ पर जो है टोटल कितने केजी है, 6 × 4 = 10 केजी, 6 × 4 कितना है, 10 केजी। तो क्या करेंगे, 10 से भागा दे देंगे, तो आपका औसतन कितने रुपये में नमक खरीदा गया था केजी में वो आपका निकल जाएगा। तो सुना सुना चला गया यानी कि 31 रुपये पर केजी खरीदा गया था और 37 रुपये पर केजी बेच दिया गया, यानी कि 31 रुपये का सामान 37 में बेचा, तो लाभ कितने का हो रहा है, 6 रुपये का लाभ हो रहा है। और प्रॉफिट परसेंट यानी कि लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर निकाली जाती है। तो क्रय मूल्य कितना है, 31 रुपये, परसेंट में वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे। यहाँ पर जब गुना करेंगे आपका क्या चाहिए, अप्रोक्स में। यहाँ पर बोला गया कि जो आपका आंसर आएगा वो किस में आएगा, लगभग यानी कि अप्रोक्स में वैल्यू आएगा। तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, 600/31%। यहाँ पर लगभग जो आपका 31×62 यानी कि लगभग जो आपका कितना हो जाएगा, 20% अप्रोक्स में आपका हो जाएगा। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 35। यहां पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 3.0, 0.3, 0.03 इंटू 0.003, यहां पर आपका 1 0 छूटा हुआ है, ये आपका क्या है, 0.003 है, क्या है, 0.003 है। यहां पर क्या करेंगे, इसे सिंप्लीफाई करने के लिए आपसे बोला जा रहा है। तो यहां पर 3.0 यानी कि 3 होगा आपका, 0.3 है यानी कि आपका 3/10 होगा, 0.03 है यानी कि आपका कितना होगा, 3/100 होगा, 0.003 है यानी कि 3/ कितना होगा, 1000 होगा, कितना होगा, 3/1000। गुना करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 3 × 3 = 9, 27 × 81 होगा। नीचे आपका कितना हो जाएगा, 10^5 = 6 हो जाएगा, यानी कि 10^6 हो जाएगा। ऊपर इसे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 81 × 10^-6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 81 × 10^-6। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही होगा। इस वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं, इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा ताकि उन्हें भी इस वीडियो से लाभ मिल सके। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।